3 बजे वॉलीबॉल खेल गया हूँ, 3 बजे रात में मतलब। और अरे पता है अंदर में ना बिल्कुल बिहार जैसा माहौल नहीं है, मतलब अंदर में जो है ना, एक फन फैक्ट बताता हूँ लड़का लोग के लिए बताता हूँ भाई, अंदर जाओगे ना मतलब वहां की लड़की भी ऐसी दिखेगी ना आपको, एकदम लगेगी नहीं बिहारी, मतलब उसके लिए शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत कॉमन है, बिल्कुल अनयूजुअल नहीं फील करोगे वहां पे जाके, अनयूजुअल थोड़ा सा भी फील, फर्स्ट डे अनयूजुअल फील हुआ था, फिर उसके बाद लग गया कि वहाँ हैबिटेबल हो गया मैं वहां की सिचुएशन के हिसाब से, तो काफी अच्छा लगता है मतलब। बोला जाता है ना आई सोसाइटी वाला माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा, है नहीं क्यों ना हो, अच्छा लगेगा। उसको, वो बिहार से लगेगा ही नहीं कनेक्टेड है, मतलब कैंपस अंदर होने के बाद अलग माहौल है सर। वहां पे 80% पॉपुलेशन ना साउथ इंडियन स्टूडेंट के हैं, 80% बीटेक विटेक मैम के। आईआईटी पटना हाँ क्या अभी जब मैं गेट नंबर 1 के लिए बस लिया था तो असल, उसमें हम बोला कि सारे के सारे साउथ इंडियन, 90% बच्चे सब अलग ही अलग लैंग्वेज में बात करते रहते अपने रीजनल लैंग्वेज में, तो काफी अच्छा जगह है। लास्ट ईयर ना मेरे बैच में मेरे एक सीनियर थे जिसका पैकेज आईआईटी पटना से 32 लाख गया। हाँ एमएससी से सर। हाँ वो जिसको बोले ना, जिसको जिसको कैपेसिटी है ना वो वहां से 5 भी लाख लेता है, कोई किसका कैपेसिटी 40 लाख भी ले सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामिंग कोडिंग आज का मैथमेटिक्स ना बाद में कंप्यूटर साइंस हो जाता है, मैक्सिमम ब्रांचेज कंप्यूटर साइंस का ही हो जाता है, मतलब मैथ्स कम कंप्यूटर साइंस ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो क्या कहते हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। रिसेंटली मेरी मम्मी नहीं रही दिसंबर में, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं काफी डिप्रेशन में था, तो भगवान ने वहां भेज दिया, मेरा डिप्रेशन एनजाइटी खत्म हो गया ठीक है। और स्पेशली सर का थैंक्स, मैं सर के चरणों में लास्ट एक दिन पहले आया था और सर पर हम कुछ और रहे थे एग्जाम आता कुछ और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा लास्ट 3 महीने में, जो अभी सर लास्ट में नेट जेआरएफ के लिए हम लोग पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में ठीक है, मैं उतना पढ़ा जितना सर पढ़ा रहे ना उसका अगर आप 50% कर लोगे ना, 50% हम कहते हैं कि आप आईआईटी कानपुर दिल्ली तक पहुंच जाओगे, और 100% कर ले तो बॉम्बे पहुंच जाओगे, 100% 80% कर ले तो बॉम्बे पहुंच जाओगे, क्योंकि सर बहुत करा देते हैं यार इतने, हम बताते हैं हम और भी कोचिंग आप ले लेना डिप्स का और सब कोचिंग का, इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं जाते हैं। तो मतलब मुझे क्या ही कहना है इनके पास, आप लोग सब आइए घूमने के बगल में तो यहाँ जा सकते हैं, इन आप किसी को, हाँ हमको सब पता था कि है लेकिन हमको बिल्कुल ध्यान नहीं था, हाँ आइए पता एकदम, चल रहा है हाँ दिव्यांश हाँ एकदम आइए खाली यहीं पेट आइए आराम से, जितना खाना है आपको पता है, एक 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 पे एक है। हाँ एक एक होता है ना लवासना का एग्जांपल देता है ना, एक लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड वहां पे, वहां आके देखो जो लवासना जाके फील होता है ना वो यहाँ पे फील होगा ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर फील है ठीक है, तो आइए वहाँ बहुत मजा आता है। मोटा हो गया हाँ हम तो खूब एक्सरसाइज करते हैं, जिम यार, में जाते हैं हम थोड़ा सा कम थोड़ा, इसलिए अपने बॉडी को उल्टा अगर मेंटेन किया। आप में अगर कंपेयर करो खाना में तो सब टॉप पे दिल्ली रहता है टॉप पे, और ये सब अभी रैंकिंग में उतना नहीं आता, फिर भी यहाँ इतना अच्छा खाना है तो सोचो खाना कैसा लगता है। तो यार हाँ तो मजा बहुत आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है इंजॉय पूरा बहुत करो, बहुत ज्यादा, रात में लोग डांस डांस क्लासेस 11 बजे रात में होती है, तो किसी को जो करना है वो कीजिए वहां जाके, वहाँ एक अलग दुनिया खुलती है ठीक है, बोलते हैं ना स्वर्ग अगर कहीं है तो आईटी कैंपस में मजा आता है, जाने से पहले और 7-8 किलोमीटर में कैंपस है, 8 किलोमीटर के आसपास पांच कैंपस पर, करें। हाँ तो वो मजा खूब आता है अंदर, मतलब अच्छा इंजॉय करता हूँ मैं, मतलब क्या ही बताऊँ वर्ड्स में। और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है उस सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, और जाने से पहले सिर्फ मैथ पढ़ के मत जाइएगा, अभी जैसे कि पढ़ते हैं बीच में टाइम है आपके पास तो कुछ कोडिंग कोर्स कर लीजिए, सी कर लीजिए और पैटर्न, ये दो कोर्स करके जाइएगा ना, ये दो कोर्स करके जाइएगा ना तो हम बताते हैं कि आप आपका नहीं भी तो ना प्लेसमेंट ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ही लगेगा, बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है वहां से, ये तो हम पटना का बता रहे हैं, और गुवाहाटी वहाटी चल गए तो वो तो बहुत अच्छा है। मुझे बस सर वहाँ पे कैंपस हम इनको इतना अच्छा एंजॉय करते हैं, हम वहाँ पे जाके अच्छा खासा रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं सर दौड़ने जाते हैं, फिर जिम जाते हैं, फिर क्लासेस जाते हैं, मतलब मैं 10-11 बजे उठने वाला बंदा, वहां जाके ना अपने आपको डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन में ले आए एकदम, हम बहुत अच्छे से उससे बात बोल, होता है कभी हाँ बात होती है मिथिलेश से होती है, से, नहीं नहीं हमारे वहाँ पीएचडी वाला जो था मेरा फ्रेंड, हाँ हाँ वो उनसे मिलते हैं, हाँ मिलते हैं उनसे फिर क्लासेस में मिलते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा है, हेल्पिंग है, हेल्प करेगा तो जरूर। हाँ तो ये है काफी ज्यादा, मतलब हम कहते हैं सब आदमी घूमने के लिए, कभी अकेले भी घूमने आना चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हाँ हाँ सकते हाँ जब भी आना हो हो मेरा नंबर होगा, ग्रुप में नंबर है ही मेरा,
ठीक है, आप नहीं ग्रुप में है इसका मेरा, क्योंकि हम हाई करते हैं। मानते हैं पुराना कैंपस नहीं है, अगर पुराना वाला चलिए तो नहीं करेगा तो ना कि अंदर का फील नहीं होगा कि हम बाहर कॉलेज में हवा हवा थोड़ा अच्छा चल रहा है कैंपस भरा ये मेरा नंबर है जो अभी मैं टेक्स्ट किया, ठीक मैं है, जाकर सब तो ये क्लासेस नंबर। सारा चीजें देखो बड़ा अच्छा लगेगा। अब जैसे लाइब्रेरी वगैरह अभी बना है न्यू वाला तो ओपनिंग नहीं हुआ है, न्यू वाला लाइब्रेरी ओपनिंग हो जाएगा तो अंदर एकदम बड़ा गजब लगेगा। सेंट्रल लाइब्रेरी थोड़ा बड़ा हो 24 घंटा खुला रहता है लाइब्रेरी सब, तो कुछ इश्यू है नहीं लाइब्रेरी। ऐसे अलाउ नहीं करेगा बार बार अच्छे से नहीं करता है तो लाइब्रेरी का बना है ना शानदार लगता है ना पूरा माहौल ऐसा है बड़ा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी ज्यादा आईटी। सा। हाँ यहाँ अगर आपको 40 डिग्री है तो वहाँ 35 डिग्री होगा, हाँ और पता ही नहीं चलेगा, 24 आवर एसी में रहना रहता है वहाँ। दिल्ली में नहीं हुआ है, जहाँ दिल्ली में रहते थे अंदर में इतना अच्छा हवा है बाहर में एकदम रेड अलर्ट है और अंदर में एकदम ग्रीन ही ग्रीन है तो बहुत बहुत हाँ आवाज में हिरन मॉर सब दिखते रहता है, मॉर वगैरह बहुत सारा है। मुझे और आईटीज मिल सकती थी, बट मैं आईटी पटना चूज किया, थोड़ा घर से नजदीक है तो इस बार। अच्छा है ना तभी है ना कभी आप हाँ आओगे। आइस रहता, इसलिए मेरा फर्स्ट चॉइस ही आईटी पटना डाल दिया था, तो 638 देखो वो तो रैंक मैं। सिर्फ एडमिशन के लिए मैटर करता है, हाँ अंदर में, अरे मेरे साथ पढ़ने वाले कितना दिन 300 लास्ट में मुश्किल से हमको लगता है 2 दिन उसको बोले कि पढ़ लो कल एग्जाम है ना पढ़ो बैठ के गर्मी में उस पढ़ा था है कि नहीं, हाँ 2 दिन ओके पढ़े होगे वे 2 3 दिन जो बोलते जो कि आ जाओ अगर थोड़ा सा पास हो इसलिए ना, सिर्फ गया सर के चरण में सिर्फ आप रहोगे ना, तो आप आईटीएन तो आराम से बन जाओगे यहाँ पे रह के। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ का ना रिजल्ट परसेंटेज ये है ना, 100% रिजल्ट है यहाँ। ऐसा नहीं कि कोई कहा कोई 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 को इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि मेरा 90% है, कोई बोलता है 80% है। यहाँ जितने बच्चे हैं हम जानते हैं सब सब कॉलेज में। यहाँ बस सर को जानते नहीं, सर को उतना पहुंच ही नहीं, तो हमको लगता है कि सर यू डिजर्व, सर कम से कम 1000 बच्चे आपके सामने बैठे रहना चाहिए। लिटरली लिटरली आप सर से अगर आप मिलोगे तो सर बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं जितना कम है यहाँ पे। कल कल हाँ नया बैच लिए थे नेट का हाँ साथ में जो मैंने बताए थे एक छोटे मेरे सीनियर में यस 70 स्टूडेंट था नेट वाला कल लाइन क्लास लिए हैं सब अच्छा मैसेज किया था बहुत अच्छा क्लास रहा ठीक हाँ है तो वो बात पूरा गूगल मीट के थ्रू लाइव था सब सवाल पूछते थे साउथ के बहुत सारे ठीक है 2 घंटा क्लास चला कल अच्छा क्लास चला नेट वाला तो ये चीज है ठीक है देख रहे धीरे धीरे करके इसको बड़ा कर यस सर, हायर एजुकेशन का बहुत कम है टीचर्स है ना, यूट्यूब पे लिमिटेड है बहुत ज़्यादा ही। तो सर कभी भी स्विच ना आप सर 11 12th हम लोग के लिए रहने दीजिए। हायर एजुकेशन में मैं पढ़ने लगता हूँ ना, मैं पढ़ने हायर एजुकेशन सर बहुत कम यूट्यूबर भी हैं जो बहुत कम है, बस बच्चे लोग एक ही गजन पोई सर को बार बार, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हो, इंजीनियरिंग में तो वही पढ़ना रहता है जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी कुछ अलग पढ़ना रहता है। तो क्या कहते हैं वहाँ पे भी यही सर्च कर करके पढ़ते रहते हैं, कंटेंट की बहुत कमी है सर करके। और सर एमएससी के जो थ्योरम सोरम से काफी है वहाँ पे, काफी यूट्यूब के ऊपर पढ़ ही नहीं पाते जो हमारे टीचर पढ़ाते। हाँ यहाँ जो पढ़ के जाएगा वही काम आता है, वहाँ के प्रोफेसर से ये सीखेगा कि कुछ सिखा देगा, वो लोग कुछ नहीं सिखाता है, चाहे वो कोई भी आईटी क्यों ना हो, उतना सबका बहुत अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आएगा पढ़ाएगा ऐसा कभी। पूरा जोड़ोगा अच्छा लगेगा क्योंकि हम बोल रहे हैं ना हमारे बैच में अगर 100 मतलब हम लोग 24 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक दो को छोड़ के, ठीक है, आप बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो हम लोग फिर यूट्यूब से बहुत बहुत भाष। कल मेरा क्लासेस था, आपको 8 बजे गए थे, रात में 8 बजे के आसपास आए, तो दिन भर क्लासेस रहता है, बहुत बहुत हैस्टिक रहता है। स्टिल आपके पास खेलने का मौका रहेगा, खेलिए उलिए, प्रेशर कम होता है उससे, तो इसलिए खेलते उलते हम ज़्यादा जाके जिम में जाते हैं रहते हैं, तो इसलिए। सही है 1 महीना हो गया ना 1 महीना में बहुत सारा चीजें देखे ये सर काफी ज्यादा इधर से बात कर सबसे इम्पोर्टेंट है ना सर, हमको रात में जो स्टेडियम में बॉल जलता है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है, हम 2 बजे रात को चल जाते, मेरे सारे मैंने कल ग्रुप फ्रेंड सर। से बात की है वो जो है एमएनआईटी जयपुर गया 1 बजे मैसेज किया था टीचर देखा हम काम कर रहे थे अपना तो मेरे सोए नहीं है तो बताया सर अभी तो घूमने निकले हैं खाना खा के तब वहाँ तो भेजा वीडियो भेजा तो देख के घूम दिन से रहे ज्यादा खूबसूरत रात लगती है आईटी, हैं रात में ज्यादा सीखा लगता दिन से ज्यादा खूबसूरत रात लगती है, है ऐसा नहीं डर लगेगा कोई आ जाए कोई लुट ले ऐसा कुछ नहीं था सीख रहे कोई आदमी नहीं दिखेगा। जिंदगी कोई नहीं डर लगेगा कि भाई कोई आगे लुटना वहाँ वहाँ बोला ना 3 बजे रात को लड़का लड़की बैठ के गाना का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और पता है आपको इतना हेल्दी माहौल है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच, डिस्टेंस नहीं है, जो गैप हम लोग इस क्लास में देखेंगे लड़की अलग बेंच बैठे के लड़का अलग बेंच, वहाँ सब साथ में बैठते कोई भी हैं, आदमी कोई नहीं किसी का वो आपको गैप नहीं दिखेगा लड़का लड़की के बीच में, ठीक है, तो वो गैप खत्म हो जाती है वहाँ जाके, ठीक है। नहीं।
वो एक पेस्ट में होता ज्यादा जाया कि नहीं आया? अच्छा ये तो ये अच्छा हाँ। और एक एक और मिथ होता है कि आईटी की लड़की खूबसूरत नहीं होती है, इतनी खूबसूरत लड़की होती है लिटरली, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वहां बैच में है क्या? नहीं, मेरे बैच में नहीं, हर बैच में ही है, हर बैच मैथ्स में थोड़ा कम है, मैथ्स में कम होते हैं, हाँ मैथ्स में कम होते, लेकिन बीटेक वीटेक में तो बहुत बड़ी रहती है यहाँ थोड़ी सर। और पता है प्लस पॉइंट क्या है सर, बीटेक वाले के साथ कम से कम 200+ कंपनी आती है आईआईटी पटना में, सिर्फ एमएससी मैथ्स वाले के प्लेसमेंट देने के लिए 200+ कंपनी, ठीक है। तो आईआईटी पटना बिल्कुल हल्के में नहीं है, अच्छी कॉलेज है, मतलब यानी सच में आईआईटी है? हाँ कोई भी आईआईटी आईआईटी है, बोला ना आपको 32 लाख गया था लास्ट ईयर हमारे सीनियर का पैकेज, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है ना तो आप कितना भी उठा सकते हो, वहाँ सारी कंपनियां आती है, गूगल आई थी अभी रिसेंटली 10 दिन पहले, तो सारी कंपनियां आती है, अच्छी माहौल है वहाँ पे, स्टूडेंट सब इतना इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मिलता है कि मुझे लगता था सर कि मैं अब जब तक मिला था अपने बैच ग्रुप में कि हाँ मैथ्स में मैं ये पढ़ूंगा हो जाएगा, अपने अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, बट वहाँ जाके लगा कि कितना जीनियस माइंड है, मतलब सब एक पे एक जीनियस मिले वहाँ, सारे बेस्ट अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल वहाँ बेस्ट, इसलिए है कि मैं खाना सोया भी रहता सर, तो खाना खाने के लिए दोस्त पूछते हैं कि चलो खाना खाने चलते हैं, एकदम मदर नेचर इसे केयर करते हैं सारे फ्रेंड, इतना बेस्ट माहौल है, मुझे बेस्ट फ्रेंड, मुझे स्कूल में अच्छे दोस्त नहीं मिले उतने, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड मिले ना वो दो दिन ऑलमोस्ट क्या हुआ है आपसे? अच्छा बीटेक क्या होना है, हाँ तो क्या कहते हैं यहाँ पे जो दोस्त मिले ना सारे के सारे अच्छे हैं, कोई बैड बॉय है ही नहीं वहाँ पे, वेल डिसिप्लिन सेल्फ वेल डिसिप्लिन लड़के मिलेंगे वहाँ पे, एक भी बैड बॉय नहीं है, किसी भी लड़की को वोटिंग करने वाला लड़का नहीं मिलेगा, जैसे लास्ट बेंच पे बैठ के एकदम कोई कुछ बोल दिया तो वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं दिखेगा आपको बैच में, तो ये बेस्ट इन्वायरमेंट है, बोला ना जीरो बैड बॉय है वहाँ पे, एक बैड बॉय आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे जो हुटिंग कर रहा है, जो लड़की पे बैड कमेंट कर रहा है या गलत अतीत दिख रहा है, मतलब इतना वेल इन्वायरमेंट है ना वहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक इधर का कॉलेज तो है, आया तो बम मार दिए। क्या है। आप जब पढ़ाई करोगे ना, आप जब पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड ना एक अलग लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, फिर आपको ना ये सब चीज़ इतना नॉर्मल लगने लगेगा ना, पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई आपको ना एक अच्छा इंसान बना देता है, ठीक है, जब आप बैठ के घंटों घंटों पढ़ोगे ना तो वो इंसान आपको बहुत बेहतरीन, ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ के एग्जाम पास करोगे, नहीं ओवरऑल आपको बहुत ज्यादा है, आप सर में खुद देखते होंगे कितना अलग टाइप के सर हैं, मतलब कितना वेल, मतलब कितने अच्छे हैं सर ना, मतलब ये नहीं बोला सर आप सामने हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब सर बहुत अच्छे हैं, मतलब हाँ, तो वो चीज़ ना आपके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छा ही आ जाती है, तो वहाँ पे सारे अच्छे लोग दिखते हैं मुझे, अच्छा हाँ, नेचर बन जाएगा आपका गुड बॉय का, ठीक है। मुझे सर कैंपस में कोई बुरा लड़का दिखा ही नहीं, सब साथ में खाते रहते हैं लड़का लड़की लोग, कितना अच्छा मौका, आपको किसी को जेंडर के बेसिस पे देख ही नहीं पाओगे कि वो लड़की है तो इसलिए अलग है, हम लड़का हैं तो अलग, ये लड़का लड़की का डिफरेंस खत्म हो जाता बात होता है मिसेस से, कैसा है, हाँ मिठे सर चल रहा है उसका? अभी सही चल रहा है उसका, तो हम तेरा से बात नहीं हुआ, कॉल नहीं हो रहे उसका। सही चल सबसे रहा अच्छे सूर्य कैंपस को खूबसूरत है, हाँ क्या मार रहे? आईटी गुवाहाटी का काफी अच्छा प्रयोग, आईटी गुवाहाटी का मैथ्स, साढ़े 700 में सुंदरता के पहाड़ भी है, झील भी है, लेक भी है, मतलब वो तो लगेगा कि एकदम हेवन है। आईटी गुवाहाटी का एवरेज प्लेसमेंट मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का 40 लाख, 48 लाख ऐसे बात ज्यादा, अच्छे से हुआ नहीं, उसका मैथमेटिक्स लिया है कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लिया है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लिया इंग्लिश बस, का? यार कुछ नहीं, क्योंकि दोनों है ना, मैथ्स प्लेसमेंट दिखाए थे कि दोनों ही है, दोनों ही सेम है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग लिया, गुवाहाटी क्या मार्क्स कमा आईआईटी पटना में मैथ्स सर मैथ कम कंप्यूटर साइंस ज्यादा है, ठीक है, हम लोग का लैब 4-4 घंटा होता है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है रहे पूरे, हैं? हाँ एग्जाम प्योर ज्यादा मैथमेटिक्स रहता में, इसलिए ना आईआईटी पटना से आपको ये चांस होती है कि आईआईटी कंपनी जो होती है, है, हाँ ज्यादा ही होता वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बन सकते हो, जो भी है आप कुछ भी बन सकते हो, है। मान लीजिए अगर कोई केवल सिंपल मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर मैथ्स एंड करेक्टर ऑप्शन में अंदर क्या आता है? करियर ऑप्शन ये होता है कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ले ली तो आप कंप्यूटर कोर्स शिफ्ट कर गए, बाद में आप एमटेक कर सकते हैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग से, आईआईटी पटना का एवरेज प्लेसमेंट बताते हैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग से, जो एमटेक करते हैं आप एमएससी के बाद भी एमटेक कर सकते हैं, ठीक है, आप बीटेक नहीं किए तब भी एमटेक कर सकते हैं आप, तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का एवरेज प्लेसमेंट है 20 लाख+, एवरेज प्लेसमेंट एवरेज बता रहे हैं तो हाईस्ट जाता ही जाता होगा, और एमएससी मैथमेटिक्स का एवरेज प्लेसमेंट है 8 लाख रुपये का, वो भी एटेक कंपनी में, हम बोले ना हम अपने बैच में सिंगल पर्सन है जो एलएन में चाहते हैं जॉब हो जाए, नहीं तो एलएन सबको तो घुसने नहीं देता आईआईटी बॉम्बे सब, ठीक है, आईआईटी जो आईआईटी बॉम्बे समय ये होता था ना, होता है कि सर जो प्लेसमेंट जो है ना 15 लाख से नीचे रखेगा वो सब कंपनी बैठने भी नहीं देगा,
दिल्ली में वैसे ही हम लोग का, 9 लाख से नीचे कोई कंपनी देना चाहेगा तो उसको आने नहीं देगा, आने ही नहीं देगी। तो ही इंटरव्यू हाँ लेंगे, उसका अपना रेपुटेशन है ना कॉलेज का। तो ये है, ये प्लस पॉइंट है काफी ज्यादा। ये सर वहां जाके ना जॉब सेकेंडरी हो जाएगा, मतलब जॉब लगेगा ऐसे ही हम आराम से कर लेंगे, कुछ और करते हैं लाइफ में, कुछ और कुछ होने के लिए। कुछ नया आइडियाज क्रिएट होगा, हाँ बोलते हैं ना सोचो कुछ नया सोचो वहां तो पे ये तो और भी है। जीनियस माइंड से आप मिलोगे, ऐसा नहीं कि आप खुद जीनियस हो, आपकी जैसे और भी बच्चे आएंगे इंडिया के अलग अलग कोने से, मिजोरम से हैं सर, उन लोग को हिंदी समझ भी नहीं आती हमारे दोस्त, लेकिन वो लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, अच्छे बिहेवियर के हैं, तो है ही। मतलब मेरा रूममेट इतना अच्छा है कि ना, मतलब सुबह अगर मैं खाना अगर खाने, हाँ हरिओम, एग्जाम हाँ था ना हाँ वो दिन मैं याद खाना खाने नहीं जाऊंगा तो खाना ले आएगा, जिससे मिला था ना मतलब लास्ट हाँ में हाँ उसका याद था ना झांसी की खाना तरफ लेगा, गया मतलब काफी था काफी वेल केयरनेस है हर बच हर बंदा। और गेटलाम जाके थी चल ठीक है तो चलते किस दिन गए थे हम हाँ सर शायद, बाथरूम जिन्हें शिफ्ट होते उसके टीचर थे हाँ यस सर, दूसरा या तीसरा हाँ दिन यस सर, यस आप सब आइए एकदम मस्त, वहाँ का खाना खाइए उतना ही मोटिवेशन है, हम तो कैंपस घूमने भी नहीं बोले, सिर्फ खाना खाइए सर। खाना इतना सुंदर हो गया अब, आप पहले पहले दिन गए हाँ चलो ठीक है बहुत चल सुंदर है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप कंप्लेन कीजिए, आपका कंप्लेन सुना जाएगा, और वहाँ का हर स्टाफ आपको, जो प्रोफेसर को छोड़ के सर सर कहेंगे, मतलब सब सर झुका के आपसे वाले बहुत रिस्पेक्ट देंगे आपको, वो आपको लगेगा कि हम कहाँ पहुंच गए। हम तो हम सर कैंपस पहुंचे, हमको लगा इतना ज्यादा रिस्पेक्ट जीवन में ना मिला हमको, मतलब लिटरली सर अजीब ही फील होता है वहां पे, मतलब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट। कुछ भी बोल, इससे रिलेटेड एक बात।